हाथ के उपकरण क्रॉसकट आरी का प्रयोग कैसे करें? क्रॉसकट आरियों का प्रयोग रेशों की विपरीत दिशा में काटने के लिए किया जाता है। ये छोटी या बड़ी हो सकती है और आमतौर पर इनमें वी आकार के दांते होते हैं जो पास पास होते हैं। उपकरण और मटेरियल जिनकी आपको आवश्यकता होगी वे हैं क्रॉस कटारी, गुनिया, कलम, शिकंजा, सॉहॉर्स, मुख्य लकड़ी और लकड़ी के कुछ बेकार टुकड़े। क्रॉसकट आरी में एक हत्ता और एक दांतेदार ब्लेड होता है जिसे रेशों की विपरीत दिशा में काटने के लिए बनाया जाता है। ब्लेड के दांते तिरछे होते हैं जो एक चाकू की तरह लकड़ी के प्रत्येक रेशे को चीर सकते हैं। प्रत्येक दांत हर दूसरी ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। इससे खुली चाल के द्वारा ब्लेड से अधिक चौड़ी झीरी काटने में सहायता मिलती है। गुनिया और कलम की सहायता से लकड़ी के चारों ओर एक निशान बनाएं। सुरक्षा के लिए दोनों ओर लकड़ी के बेकार टुकड़े लगाते हुए लकड़ी को शिकंजे में कसें। अपने प्रमुख हाथ से आरी पकड़े, आरी को निशान से थोड़ा अलग और फालतू लकड़ी की ओर रखते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे को काटने के निशान के ऊपर रखें। अपनी उंगलियों का ध्यान रखें। फालतू लकड़ी को बाद में रंदे, रेती या रेगमाल की सहायता से कम किया जा सकता है। कम गहराई से अपनी ओर खींचते हुए एक छोटी झीरी बनाएं। लकड़ी पर अपनी नजर बनाए रखें। अपने कंधों को अपने हाथ की सीध में रखें। आरी लगभग 40 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि ब्लेड को सीधा पकड़ा गया है और वह अपनी जगह पर है। ध्यान रखें कि लकड़ी काटने के लिए आप दोनों हाथों का प्रयोग करें। जब आप काटना समाप्त कर रहे हो तब आरी को 0 डिग्री पर रखते हुए धीमी गति से काटना शुरू करें। दूसरे हाथ से लकड़ी के उस हिस्से को पकड़े जिसे शिकंजे में कसा नहीं गया है ताकि लकड़ी के किनारों का उखड़ने से बचाव हो सके। लकड़ी को शिकंजे से बाहर निकाले। गुनिया की सहायता से जांच करें कि यह समकोण में कटा है या नहीं। यदि नहीं कटा है तो आप इसे रंदा लगाकर समतल कर सकते हैं। लकड़ी पकड़ने के लिए आप सॉहॉर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ी के ऊपर अपने घुटने को रखें और इसे स्थिर रखने के लिए अपने शरीर के वजन को इस पर डालें। सिरे को पकड़ना न भूलें इससे पहले कि वो गिर जाए। अब आपने सीख लिया है कि क्रॉसकट आरी का प्रयोग कैसे किया जाता है।